नमस्कार, आप सभी का चुनावी नगरी में स्वागत है। पहले हमने बात की थी प्रतापगढ़ सीट की और जाना था वहां के चुनावी समीकरण के बारे में। अब बात करेंगे उस विधानसभा सीट के बारे में जहां की पहचान बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि बिट्स प्लानी है। रानी सती माता मंदिर के चलते ये धार्मिक पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। इस जिले की राजनीति कभी कभार एक तरफा नहीं रही। हम बात कर रहे हैं शेखावटी के झुंझुनू जिले के बारे में। ये जिला राजस्थान की राजनीति में अहम जगह रखता है। जातिगत समीकरणों की बात करें तो खेतरी को छोड़कर शेष 6 विधानसभा सीटों पर जाट सर्वाधिक संख्या में है। बीजेपी से बबलू चौधरी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और वहीं से बृजेंद्र सिंह ओला को कांग्रेस ने उतारा है। बबलू चौधरी पिछली बार निर्दलीय रूप से मैदान में उतरे थे, उन्होंने 29,000 से ज्यादा वोट लिए थे। वहीं लगातार सक्रिय रहने से भाजपा ने बबलू चौधरी को टिकट दिया है। नए उम्मीदवार पर बीजेपी ने दाव खेला है। वहीं इस सीट को दिवंगत शीशराम ओला का क्षेत्र माना जाता है। यहां हमेशा से ही ओला परिवार का दबदबा रहा है। वर्तमान में उनके बेटे बृजेंद्र ओला इस सीट से विधायक हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में 15 प्रत्याशियों ने ताल ठोकी थी, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही रहा। इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह ओला ने भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र भामू को 40,565 वोटों के बड़े मार्जिन से हराया था। यहां वर्तमान में परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला विधायक हैं। यहां के मुख्य मुद्दों की बात करें तो शौर्य उद्यान का अधूरा काम, खेल यूनिवर्सिटी और कुंभाराम लिफ्ट के नाल के पास पानी घर घर तक पहुंचाना मुख्य मुद्दा बन गया है और चुनाव लड़ने का जरिया भी। चुनावी नगरी में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विधानसभा सीट के साथ, उनके चुनावी समीकरण के साथ। नमस्कार।